किसी को बताना मत। सर बॉडी ऐसे बनती है, बनाएगा नहीं कोई। Hey, what's up guys? This is your pro bro Hasnain Ali. मेरा ये चैनल बनाने का मकसद ये था कि मैं लोगों को नेचुरल फिटनेस की आगाही दे सकूं। और एक चीज आपको नहीं भूलनी बिल्कुल भी, वो ये कि एक साल की ट्रेनिंग नहीं है, ये तब की ट्रेनिंग है। 15-20 साल उनको ट्रेन करते हुए हो गए हैं। मसल मेमोरी थी वो, 15-20 साल की मसल मेमोरी थी उनकी, जिस पे वो चल रहे हैं। अभी हम लोग कह रहे हैं ना एक साल की ट्रांसफॉर्मेशन, एक साल तो कुछ भी नहीं यार। एक साल की ट्रांसफॉर्मेशन मेरे स्टूडेंट ने की थी, अभी उसको एक महीना भी नहीं हुआ, तो उसकी पिक्चर्स मैं डालूंगा, आप वो देख लेना। 40-45 साल के बाद आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल और 30 के बाद नीचे गिरने लग जाता है। तो 40-45 में तो बिल्कुल भी इतना नहीं होता कि आप बिल्कुल अच्छा मसल मास्टर सा है वो कैरी कर सकें। अब बात कर लेते हैं ऋतिक रोशन सर की ट्रेनिंग किस तरह से रही होगी। जो मुझे लगती है उनकी ट्रेनिंग स्प्लिट इस तरीके से रहे होंगे कि उन्होंने कंपाउंड मूवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा किए हैं अपनी साइड ट्रेनिंग में। कंपाउंड मूवमेंट्स से होता क्या है, एक्चुअली जब हम कंपाउंड मूवमेंट्स करते हैं तो हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी हाई रहता है। सो इसमें सारी जो गेम थी वो टेस्टोस्टेरोन की थी। टेस्टोस्टेरोन जितना हाई रहेगा हमारा, उतने हमारे मसल्स और ग्रोथ करेंगे और उतनी ही फैट जोन सी है वो हमारी बॉडी में जल्दी रिड्यूस होती है। अगर आप कभी ट्रेनिंग छोड़ भी दें तो उसके बाद आप जब दोबारा ट्रेनिंग में आए तो वो मायोन्यूक्लियाइज जोन से हैं वो दोबारा निकल के आपको हेल्प करते हैं आपको दोबारा से उसी स्टेज पे लेके जाने के लिए जिस स्टेज पे आप कभी थे। तो जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन काम करेगा उतने अच्छे बॉडी काम करेगी, इन शॉर्ट अभी के लिए ये बता देता हूँ। दूसरा इसमें फैक्टर आता है आपका आपका रेस्ट पीरियड कितना है। तीसरा फैक्टर इसमें ये आता है कि ट्रेनिंग के बारे में, यार ट्रेनिंग एक ऐसी चीज़ है, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि यार 80% डाइट और 20% ट्रेनिंग। मैं इस चीज़ को थोड़ा सा कम मानता हूँ, ट्रेनिंग 50% ट्रेनिंग एंड 50% डाइट। अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है ना तो बहुत आपको हेल्प होती है, फिर ही आपकी जो डाइट है वो भी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि यार आप 4000 कैलोरीज ले लो प्रोटीन से, ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लें कि मैं आपको ऐसा कहता हूँ आपने 4000 कैलोरीज प्रोटीन से ले लिया और आप सारा दिन घर में सोए रहे हैं, तो क्या आप मसल बना लेंगे या क्या आप बॉडी बना लेंगे? नहीं। तो उसको जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा काउंट करेगी इसमें। तो उनके जो ट्रेनर्स हैं, जाहिर बात है आप सब जानते हैं कि वो कितने हैवी ट्रेनर्स हैं जो उनको ट्रेन करवाते हैं। सो ये बिल्कुल अचीवेबल है नेचुरली, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि स्टेरॉइड यूज़ हुए हैं ये वो, अगर उससे पहले उन्होंने कभी किया तो मुझे उसका नहीं पता, लेकिन अभी की मैं कंडीशन देख के जो बात बता रहा हूँ वो बात बता रहा हूँ कि कोई इस किस्म की फिजिक नहीं थी कि इसमें आप लोग ये कहते हैं कि यार ये स्टेरॉइड्स हैं और ये बातें वो लोग करते हैं जो नेचुरली खुद अचीव नहीं कर सकते। मैंने हमेशा अपने साथ एक कसम खाई हुई है कि मैं जब कम्पीट करूँगा नेचुरल कम्पीट करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में मैं जिस भी स्टेज पर जाता हूँ एज अ फिजिक एथलीट मैं हमेशा नेचुरली कम्पीट करता हूँ। और मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि हमेशा नेचुरल कम्पीट करूँगा। जितना ज़्यादा आपने फैट चढ़ाया उतना ज़्यादा ही कम करना है ना। सो इनकी जो बॉडी फैट परसेंटेज थी यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई अराउंड 25-30% बॉडी फैट में ये थे, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर बंदा 20-15 साल का एक्सपीरियंस रहता है ट्रेनिंग में तो, और डाइट फिर जाहिर ही बात है फिर जिस किस्म की डाइट होगी उस तरह की सप्लीमेंटेशन सारा कुछ होगा। अगर मुझे दें आप ऋतिक सर को मुझे वैसे ऐसे मौका मिले, शर्मिंदगी हो रही है बात करते हुए लेकिन बताना तो है ना अपने भाइयों को, तो अगर मुझे मौका मिले सो मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन 6 मंथ्स में करवा सकता हूँ। सो एक साल का टाइम लगा, उन्होंने काफ़ी कुछ उनकी कुछ इंजरीज थी जिसकी वजह से वो उनको ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि यार इतनी नेगेटिविटी ना फैलाएं, ये बिल्कुल अचीवेबल है। मुझे इतने मैसेज आप लोग ये कर रहे हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। सो जो मुझे क्लोजली जानते हैं उनको पता है कि यार मैं कम्पीट करता हूँ, ठीक है, मैं कम्पीट करता हूँ तो मैं नेचुरली कम्पीट करता हूँ। मैं 5% 4% बॉडी फैट में होता हूँ। सुपर स्टार है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने स्टेरॉइड्स लगाए। उनको ज़्यादा अकल है हमसे, उनको ज़्यादा पता है कि उनकी लाइफ कितनी इंपॉर्टेंस रखती है उनके लिए भी और हम लोगों के लिए भी। यार मसल मेमोरी में थोड़ा सा उनको हेल्प ज़रूर हुई, लेकिन एज फैक्टर जो उनका था वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज फैक्टर था। एज फैक्टर उनको काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ा होगा अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को लेकर। तो जहाँ तक मुझे लगता है जो वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि यार मुझे ऐसा लगता है कि उनका स्लीप टाइम जो है 10 आवर्स होगा, और इसमें जो इनकी कंपाउंड मूवमेंट्स होंगी ये ज़्यादा होंगी इनकी ट्रेनिंग्स में। और मे बी पॉसिबिलिटी है कि एक दिन ट्रेनिंग का सिर्फ उन्होंने वीक में सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड मूवमेंट्स का ही रखा होगा,
सो यही स्टोरी थी मेरी नज़र में सर ऋतिक रोशन की। आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने इंस्टाग्राम पे इतने सारे ढेर सारे मैसेज मुझे कर दिए कि ऋतिक सर पे वीडियो बनाएं। मैं कभी भी नहीं बनाना चाहता था, बहुत ऊपर है वो और मैं बहुत नीचे हूँ, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता था कि मैं उन पे वीडियो बनाऊं। सो आप लोगों की फरमाइश पे वीडियो बनाई है, सपोर्ट करें, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। लव यू ऑल, स्टे नेचुरल, बी हैप्पी।